कानपुर में सपा ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव खुद मैदान में उतर चुके हैं, जबकि कल अखिलेश के भी कानपुर आने की खबर है। सपा के निशाने पर कानपुर की मेयर सीट है, जहां से उन्होंने अमिताभ वाजपेयी की पत्नी पर भरोसा जताया है और उन्हें यहां पर मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। जहां आज आपने देखा डिंपल यादव ने रोड शो किया, चुनाव प्रचार किया और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, खुद शिवपाल यादव भी मौके पर मौजूद रहे। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी कमर कस ली है कि किस तरीके से जो कानपुर का किला है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सेंधमारी की जाए। और अब खबर यह भी है कि कल खुद अखिलेश यादव यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि कल देखिए प्रचार का आखिरी दिन है और इसलिए समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है आखिरी दिन, और इसलिए अखिलेश यादव खुद मौके पर मौजूद रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा मुकाबला कानपुर में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी माना जा रहा है और इसलिए कल आखिरी दिन रणभूमि में तमाम रणबांकुरे अपनी ताकत आजमाते नजर आएंगे। सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कानपुर की सड़कों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने उतरे। डिंपल यादव रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। डिंपल यादव का रथ किदवई नगर चौराहे से शुरू होकर यशोदा नगर बाईपास तक पहुंचा। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए इस तरह की कार्यक्रम किए हैं और ये काफिला किदवई नगर चौराहे से शुरू हुआ और मंदिर में हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद जूही गौशाला होते हुए अब साकेत नगर की तरफ बढ़ रहा है। किदवई नगर थाने से जूही क्या आगे जाएगा और पॉपुलर धर्मकांटा होते हुए फिर चावला मार्केट और तमाम चौराहों से होते हुए जाएगा। आपको रथ दिखाएं, फूलों की बारिश की जा रही है रथ पर और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कैंट से मोहम्मद हसन रूमी भी हमको दिख रहे हैं। कुछ इस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज बाहर निकले हैं। रोड शो के दौरान जगह जगह डिंपल यादव का स्वागत किया गया। उनके साथ उनके रथ में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह, मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर समेत कुछ स्थानीय नेता मौजूद थे। एबीपी गंगा से खास बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कानपुर में साइकिल दौड़ेगी, बहुत मजबूती से लड़ रही है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है और जनता इस बात को समझ रही है कि मौजूदा सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 7 नगर निगमों में चुनाव होना है, जिनमें अलीगढ़ और मेरठ 2 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा, सपा और बसपा तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और यही वजह है कि अंतिम दौर में अखिलेश यादव ने भी मेरठ और अलीगढ़ में पूरा जोर लगा दिया है। बलिया के सहतवार नगर पंचायत में किसका सिक्का चलेगा, किसके सिर पर जनता जीत का ताज पहनाएगी, किसका किला ढहेगा और कौन बाजी मारेगा, इसकी तस्वीर 13 मई को साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। सहतवार नगर पंचायत में अध्यक्ष की सीट पर भाजपा के अजय सिंह और सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अखिलेश का पश्चिम विजय अभियान, अलीगढ़ और मेरठ में संभाली कमान। मतदान से पहले मिशन पर अखिलेश, क्या रोड शो से बदलेगा मेरठ में जनादेश। पूरी जीप में निकाय प्रत्याशियों के साथ आगे आगे अखिलेश यादव का काफिला और साथ में बुलडोजर पर चढ़े कार्यकर्ता। ये तस्वीरें अलीगढ़ में अखिलेश यादव के रोड शो की। अखिलेश यादव के रोड शो में आकर्षण का केंद्र बना बुलडोजर, जिसमें सपा कार्यकर्ता हाथ में सपा का झंडा लिए खड़े थे। दरअसल अखिलेश यादव के रोड शो की ये तस्वीरें इसलिए हैरान करती हैं क्योंकि अमूमन भाजपा की रैली में ये सड़कों पर इस तरह बुलडोजर का प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन निकाय चुनाव में पहली बार बुलडोजर अखिलेश यादव के रोड शो में दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में रोड शो किया, उन्होंने सपा के मेयर प्रत्याशी हाजी जमीरुल्लाह के समर्थन में वोट मांगे। अखिलेश ने जमालपुर पुल से एमयू के सेंटेनरी गेट तक करीब 1.5 किलोमीटर ट्रक पर सवार होकर जनसंपर्क किया।
इसमें कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। बुलडोजर लेकर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने कहा, बुलडोजर किसी का नहीं है। सीएम योगी को लोग भले ही बुलडोजर बाबा के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ उनका नहीं है। सत्ता बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा। जनता परेशान है, शहरी आबादी दुखी है, और जहां तक सरकार के कामकाज देखोगे, महंगाई चरम सीमा पर। पैकेट वाला आटा महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा, रिफाइन तेल महंगा, बिजली का बिल महंगा और डीजल पेट्रोल महंगा। किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रही, और उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। रोड शो के बाद अखिलेश ने आगरा के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करने वालों पर ताला लगाने की जरूरत है। दरअसल योगी ने रविवार को अलीगढ़ में जनसभा की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किया है, दंगों गुंडों और माफिया पर ताला लगाया है। इन परिवारवादी जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था, ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है, अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। अब तक सवाल ताले का है, देखो तो ताला एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।